गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने राजस्थान की जल परियोजनाओं में चंबल, बीसलपुर और चंबल और माही परियोजनाएं पढ़ी। इसके बाद हमारे कोर्स में जो कोई योजनाएं हैं वो पढ़ेंगे। जाखम परियोजना है, आपकी जवाई परियोजना है, मेजाबांध परियोजना है। तो देखते हैं पहली परियोजना जाखम परियोजना। तो जाखम नाम से स्पष्ट है, जाखम बांध में, ये जाखम बांध जो है वो कौन सी नदी पे है? जाखम बांध, जाखम परियोजना कौन सी है? जाखम बांध बना हुआ है कौन सी नदी पे पड़ा हुआ है साहब? जाखम नदी पे। जाखम नदी कहाँ की है? तो ये प्रतापगढ़ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? ये माही नदी मिल जाती है। और पढ़ा हुआ है, एक नाम आता है बेणेश्वर धाम, कहाँ पर है साहब? डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ भरता है, यहाँ पे जाके ये जाखम नदी मिल जाती है। और इस जाखम नदी पे बड़ा जो बांध है वह जाखम बांध है। राजस्थान देखे तो 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध पे 5 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये प्रतापगढ़ के निकट एक गांव है जिसका नाम है अनूपपुरा। अनूपपुरा में ये बांध बना हुआ है और साथ ही साथ ये जो बांध है वह यहाँ पे सिंचाई की आपूर्ति भी करता है। आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है? सिंचाई की आपूर्ति भी करता है। 81 मेगावाट है, 81 मीटर ऊंचा है, 5 मेगावाट बिजली है, अनूपपुरा में बढ़ा हुआ है सिंचाई उत्पादन। मेजाबांध को देखते हैं तो मेजाबांध जो है वह आपका भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कौन सी नदी पे साहब? कोठारी नदी पे। कोठारी नदी पे कहाँ पर? ये है भीलवाड़ा के मेजा गांव में। इस बांध का उद्देश्य जो है वो यहाँ पे सिंचाई करना है और पेयजल की आपूर्ति करना है। और यहाँ पे सिंचाई और पेयजल के अलावा जो मुख्य उद्देश्य है वो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेजा बांध है वहाँ पे एक मेजा पार्क बना हुआ है जिसको ग्रीन माउंट पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट पार्क कहते हैं। तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे। और कौन से गांव में? वो है मेजा गांव में। सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन, मेजा पार्क बना हुआ जिसका नाम क्या है? ग्रीन माउंट पार्क। इसके बाद तीसरा जो है वो देखते हैं, सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना ये जो है रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल है उसके लिए बनी है। अतिरिक्त जल को ये सिंचाई और पेयजल के रूप में उपयोग करने के लिए जो नहर परियोजना बनाई वो कौन सी है? सिद्धमुख। इसका नाम दूसरा राजीव गांधी नहर परियोजना भी है। इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2002 को बीरानी गांव में सोनिया गांधी जी ने किया। साथ ही हम बात करें कि सिद्धमुख नहर परियोजना कहाँ कहाँ सिंचाई करवाती है, कहाँ कहाँ लाभ देती है। तो राजस्थान में ये गंगानगर, हनुमानगढ़ की दो तहसीलें नोहर और भादरा, इसके अलावा चूरू में राजगढ़ और तारानगर, इन क्षेत्रों में यह सिंचाई के लिए या जल आपूर्ति के लिए जानी जाती है। कौन सी? सिद्धमुख नहर परियोजना। तो सिद्धमुख नहर परियोजना रावी और व्यास के जल के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी। उद्घाटन किया 12 जुलाई 2002 में, कहाँ पर? बिरानी गांव में। किसने किया था? सोनिया गांधी जी ने। गंगानगर, हनुमानगढ़ को क्या करती है?
और चूरू को, तीन जिलों को ये जलापूर्ति कराती है, गंगा, मनगढ़ और चूरू। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना ये आपकी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये नहर परियोजना बनी हुई है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में है। और सरदार सरोवर बांध चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस पे एक नहर निकाली गई जिसका उद्घाटन 2008 में किया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। तो ये नहर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और ये कौन कौन से क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही है, तो इस परियोजना के अंतर्गत देखें सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई जो राजस्थान में प्रवेश करती है जालौर में, सिलुगांव में, जालौर में सिलुगांव में प्रवेश करती है, जालौर और बाड़मेर दो जिलों को लाभान्वित करती है। जालौर और बाड़मेर को दो जिलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। ये टोटल नहर है, इसमें लगभग 458 किलोमीटर नहर कहाँ पर है, गुजरात में, और 74 किलोमीटर जो नहर है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में इस नहर के मारवाड़ क्षेत्र में आने के कारण इसे मारवाड़ की भागीरथी या मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो देखा कि जालौर में 74 किलोमीटर क्या करती है, सिंचाई करती है। यह है नहर, यह नहर जालौर के अंदर कहाँ, सिलुगांव में जाती है, और सिलुगांव के बाद ये 74 किलोमीटर जालौर और बाड़मेर में बहती है। इस नहर की बात करें तो ये नहर ऐसी नहर है जो पहली नहर है जहाँ पे सिंचाई है तो फुहारा पद्धति के माध्यम से की जाती है, फुहारा पद्धति के माध्यम से की जाती है। और राजस्थान जो है वो 5 MAF जो है उपयोग करता है इसमें जल का, कितना, 5 MAF। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सरदार सरोवर बांध से निकली है, मारवाड़ क्षेत्र में आई तो मारवाड़ की भागीरथी है, भागीरथी तो ये है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, जवाई बांध। जो मारवाड़ का अमृत सरोवर अभी पढ़ाएंगे कि मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है, भागीरथी कौन सी है, ये है। सरदार सरोवर परियोजना भी बोल सकते हैं इसको, सरदार सरोवर बांध से निकली है, 458 का है, गुजरात में है, कितने राज्यों का सहयोग है इसमें, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चार राज्य मिले हुए हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना में। और ये आपके जालौर के सिलुगांव से जो आता है, अंदर आती है, और जालौर और बाड़मेर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं जवाई सागर परियोजना। जवाई सागर परियोजना जो है वो आपके जवाई नदी है, जो किसकी सहायक नदी है, लूणी की, पड़ा हुआ है आपका, लूणी की सहायक नदी है जवाई। इस जवाई नदी पर एरिनपुरा पाली में जो बांध बना है वो कौन सा है, जवाई बांध। और ये 13 मई 1946 को बना। इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करवाना। और ये जो बांध है जवाई बांध, इस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति कराता है, कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। इस कारण से इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। कौन से बांध को, जवाई। पांचवा बांध जो है वो आपके कहाँ बना हुआ साहब, करौली में कौन से जगह बना हुआ है, गुड़ला गांव में,
गुदला गांव के अंदर ये जो बना हुआ है ये राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। और ये मिट्टी से बना हुआ बांध जो है ये कहाँ पर, गुडला गांव में, कहाँ, करौली में, और कहाँ पर बना हुआ है? पांच नदियां हैं, जब इसका नाम क्या पड़ा है साहब? पांचना बांध। पांचना बांध क्यों बना है? क्योंकि पांच नदियों के संगम पे बना है। पांच नदियां हैं भद्रावती, बेसावट, अटा, माची, बरखेड़ा। भद्रावती, बेसावट, अटा, माची और बरखेड़ा। भद्रावती, बेसावट, अटा, माटी, माची और बरखेड़ा, ये पांच नदियां हैं। इनके संगम पे कौन सा बांध बना हुआ है? आपका पांचना बांध। कैसा बना हुआ है? मिट्टी से बना है। कौन से गांव में है? गुडला गांव में है। कौन सी जगह है? करौली डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो बांध बना है ये बांध आपके गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी के जो गांव है उन गांवों में क्या करता है? पेयजल की आपूर्ति करवाता है। तो हमने जाखम, मेजा, सिद्धमुख, नहर, नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध पढ़े हैं। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अपने दो योजनाएं रही है, एक तो रही है सोम कमला अंबा गांव, अंबा परियोजना, और एक रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो पहले देखते हैं सोम कमला अंबा परियोजना। ये आपकी जिसे नाम है स्पष्ट, सोम नदी, सोम नदी पे बनी हुई है। सोम नदी कहाँ पर है? पड़ा हुआ है दक्षिणी राजस्थान में। एक तो आई कौन सी? जाखम। एक उदयपुर साइड से आ गया सोम, और किससे मिल गई? माही में। जाखम तो पड़ी है, हमने जाखम बांध पड़ा है, और जो सोम है इस पे कमला अंबा गांव में, कमला अंबा गांव में कौन सी परियोजना है? सोम कमला अंबा। कौन सी? सोम कमला अंबा। इसके दौरान उदयपुर जिले की सलुम्बर तहसील, कौन सी? सलुम्बर, और डूंगरपुर जो है उसके आसपुर तहसील जो है उसको जलापूर्ति मिलती है या उसमें जलापूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पहले इसकी इतिहास या इसके निर्माण स्वरूप को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको मैप में देख लेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए जल उपलब्ध कराने की ये प्रमुख योजना है। और इस योजना की बात करें तो ये है योजना राजस्थान की, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और ये परियोजना अभी हमने क्या पढ़ा, गंगा नहर, तो इसकी जो इसको प्रेरणा जो मिली वो किससे मिली? गंग नहर से। भाई गंग नहर जो है वो छोटी सी नहर है जो गंगानगर और बीकानेर के भाग में सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रही है। उसी से जो गंग नहर तो कब आई थी? 1921-1923 में आई थी। उसी से प्रेरणा प्राप्त करके अब क्या बढ़ाई आपकी? इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के लिए बीकानेर के इंजीनियर थे जिनका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन ने सरकार को एक अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया बीकानेर में
उनकी पुस्तक का नाम था बीकानेर में जल की आवश्यकता। पुस्तक का नाम था बीकानेर में जल की आवश्यकता, यानी ये जल की या पानी की आवश्यकता। और इस बीकानेर में जल की आवश्यकता जो पुस्तक है उसके आधार पर उन्होंने क्या की, इस पुस्तक में इस इंदिरा गांधी नहर की क्या की, परियोजना बताई कि हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पूरे उसने उसका उनका मतलब तो था कि बीकानेर में जल। अब उसके बाद देखे तो यह है पूरे राजस्थान के पश्चिमी भाग में जल प्राप्ति की एक बड़ी परियोजना उभर कर सामने आई। और इस प्रेरणा के आधार पर सबसे पहले 31 मार्च 1958 को तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया, इसका शिलान्यास किया। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1961 को तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हनुमानगढ़ के नौरंग देश से इसमें जल छोड़ा। इससे पहले की बात करें कि कहाँ बनी हुई है, तो ये बनी हुई है हरि के बैराज से। तो हरि के बैराज है उसका कार्य आरंभ किया गया 1952 में। तो ये तो क्या है, नहर की रूपरेखा है। और इस नहर में अब 1961 में ये क्या है, जल छोड़ा गया। ये जो नहर है वो आपके दो चरणों में बनी। पहले चरण में आपके जो बीकानेर है उसमें, और उसके बाद ये जो लास्ट में दूसरे चरण में ये नहर आगे तक गई, कहाँ तक, मोहनगढ़, और मोहनगढ़ से आगे कहाँ तक गई, गढ़रा रोड तक। तो एक एक करके देखते हैं इस नहर को। कितने राज्यों में, कितने जिलों में सिंचाई जल आपूर्ति करवाते हैं, 9 जिलों में जल आपूर्ति करवा रही है। एक बार नीचे क्या मेरे दिखेगा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। ये जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में ये नहर है वो फैली हुई है। मरुगंगा या जीवनदायिनी, मरुगंगा या जीवनदायिनी कही जाने वाली इस नहर के अंतर्गत देखें तो ये नहर दो चरणों में इसका कार्य हुआ। दो चरणों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो
इसके निर्माण की, इसका निर्माण हुआ सतलज, और इधर से आई कौन सी, व्यास नदी। इसके संगम पे जो बड़ा वो है हरी के बिराज, हरी के बिराज। अब इस हरी के बिराज से जो नहर निकाली गई वो है राजस्थान फीडर। क्या था? राजस्थान फीडर। फीडर क्या होता है? ऐसा भाग जिसमें जल का उपयोग नहीं होता है, जल का उपयोग नहीं होता है। फीडर की लंबाई कितनी है? तो फीडर की लंबाई है साहब 204 किलोमीटर। 204 में ये कहाँ कहाँ कितना है? तो ये पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर है, और बाकी रह गया 35 किलोमीटर है ये राजस्थान में। कहाँ तक है? ये है आपका मसीतावली हेड कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो पहले जो राजस्थान फीडर जो कहाँ से निकला? हरी के बिराज से, और हरी के बिराज से ये निकल करके राजस्थान के मसीतावली हेड तक आया, और इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, और 204 में 169 कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा में, और 35 किलोमीटर कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। तो इसके बाद जो पहले चरण में चला, तो देखो नहर के अंदर हम देखते हैं 9 जिले लाभान्वित है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और झुंझुनू। झुंझुनू एकमात्र जिला है जो पेयजल के लिए लाभान्वित है, सिंचाई के लिए नहीं है। लेकिन नहर जो निकलती है, नहर की बात करें तो मुख्य नहर जो जहां से निकल रही है, फीडर के बाद में इसका मार्ग सकड़ा हो जाता है, मुख्य नहर निकल रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, यहां तक मुख्य नहर निकल रही है। इसे मुख्य नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था भाई? राजस्थान नहर। और गंगा नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर, बीकानेर केनाल या बीकानेर नहर। गंगा नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर है, और इसका क्या नाम था? राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर गंगा नहर में कन्वर्ट कब हुई? 2 नवंबर 1984 को। अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो 31 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ, और उन्हीं के नाम पर 2 नवंबर 1984 उसका नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया इसका राजस्थान नहर का। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके चरण, इसके चरणों की बात करें तो ये तो राजस्थान फीडर है, ये जो यहाँ से मसीतावली से चला इसको बोलते हैं हम इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। इसका जो पहला चरण है वो बीकानेर के पोंगल तक है, और ये मसीतावली से पोंगल तक कितना है? 189 किलोमीटर। और उसके आगे पोंगल से लेके मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। मोहनगढ़ जैसलमेर तक है ये 256 किलोमीटर। कितना है? 256 किलोमीटर। इसके बाद इसमें एक जो नहर उपशाखा निकाली गई वो है गडरा रोड बाड़मेर तक। कहाँ तक निकाली गई? गडरा रोड बाड़मेर तक। और ये कितनी किलोमीटर है? ये 165 किलोमीटर है। कितनी है? 165 किलोमीटर। तो सबसे पहले मुख्य नहर की बात करते हैं कि मुख्य नहर आपकी 189 तो है मसीतावली हेड से पोंगल तक, और आपकी 256 है मोहनगढ़ तक, तो टोटल कितनी हो गई? 445। तो राजस्थान जो नहर है या इंदिरा गांधी नहर है इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे वो बाद में, लेकिन मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445। और कुल लंबाई में आपका फीडर और जुड़ जाएगा, फीडर, ये राजस्थान फीडर जुड़ गया, तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 649। याद रखना,
कि इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, 189 आपकी पुंगल तक है और 256 मोहनगढ़ तक है। तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, मुख्य नहर या राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई तो कितनी है, 445 है और 204 क्या है, फीडर है। तो इसके कारण कितनी होगी, 649 किलोमीटर है, कितनी, 649 किलोमीटर। और इस पे बढ़े हुए साहब, इस पे बढ़े हुए हैं लिफ्ट नहर और प्रणाल। अब देखते हैं एक एक करके लिफ्ट नहर और क्या बढ़े हुए प्रणाल। अब लिफ्ट नहर क्या है और प्रणाल क्या है, तो लिफ्ट नहर क्या है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें ढाल के विपरीत जल को पहुंचाया जाता है लिफ्टों के माध्यम से। जो इस प्रकार से मान लो कि ये ढाल है, ये ढाल इधर नहीं है, ढाल इधर है, तो यहाँ जल कैसे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे क्या बनाई जाएगी लिफ्ट, पहले जल यहाँ भरेगा, फिर आगे इस प्रकार से जल क्या है ढाल के विपरीत आगे तक चला जाएगा। तो ये लिफ्ट नहरें हैं और एक साइड क्या है इसमें प्रणाल। प्रणाल क्या होता है, यह वितरिकाएं, प्रणाल होती है कि जिसमें ढाल के अनुरूप क्या होता है कि नहरें, ये जल है वो पहुंचाया जाता है। तो इस पे 7 तो बड़ी हुई है लिफ्ट नहर और 9 बड़ी हुई प्रणाल। तो प्रणाल लगभग जितने प्रणाल है वो नहर के दाई ओर बने हैं और जो लिफ्ट नहरें हैं वो नहर के बाई ओर बनी है, और ऐसे आ रही नहर तो इसका दाई ओर क्या हो गया प्रणाल और बाई ओर क्या है लिफ्ट नहर है। तो एक एक करके हम प्रणाल और लिफ्ट नहरों को देखते हैं। सबसे पहले प्रणाल देखते हैं, तो इनके प्रणालों में आपके सबसे पहला जो प्रणाल है, जो एकमात्र प्रणाल जो आपके नहर के बाई ओर है, और उसका नाम है रावतसर। क्या नाम है, रावतसर। इसी रावतसर के ऊपर जो आपकी जगह है जिसका नाम है नोरंगदेसर, इसी नोरंगदेसर से ही इस क्या है सर्वप्रथम जल छोड़ा गया था। तो रावतसर एकमात्र प्रणाल है जो नहर के बाई ओर है, जो कहां पर है साहब, हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। इसके बाद में सूरतगढ़, क्रम ध्यान रखना, सूरतगढ़ जो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, अनूपगढ़, सूरतगढ़ अनूपगढ़, ये दो कहां पर है गंगानगर में। फिर है पुंगल, फिर है दातोर, फिर है ये है बीरसलपुर और फिर ये तीन तो है किसमें, बीकानेर में, फिर है चारण वाला, चारण वाला ये आपके बीकानेर और जैसलमेर में, फिर है शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, सागरमल गोपा देखेंगे। एक जो है आपकी रावतसर में, सूरतगढ़ अनूपगढ़ तीनों गई, फिर आपकी पुंगल, दातोर, बीरसलपुर, फिर आपके चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। इस प्रकार से आपकी कितनी प्रणाल हो गई, 9 प्रणाल है। एक रावतसर, दूसरी आपके सूरतगढ़, तीसरी अनूपगढ़, चौथी पुंगल, पांचवी दातोर, छठवी आपके बीरसलपुर, सातवी है चरणवाला, आठवीं है शहीद बीरबल और नवी है सागरमल गोपा। इस प्रकार से आपकी क्या है, 9 तो है प्रणाल, और 9 प्रणाल जो है वो इसमें क्या है अपनी सिंचाई का और पेयजल की आपूर्ति करती है। टोटल इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर पे 70% सिंचाई या जलापूर्ति है वो किससे होती है, प्रणालों के माध्यम से होती है, और मात्र 30% जलापूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है, वो होती है आपकी लिफ्ट नहरों के माध्यम से, लिफ्ट नहरों के
माध्यम से। अब देखते हैं इसकी लिप्त नहरें। पहली जो लिप्त नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम आर्य, ये जो लिप्त नहर है इसका नाम आ जाता है कई बार गदेली सावा परियोजना, गदेली सहावा परियोजना या नोहर सहावा परियोजना कौन सी है, तो इसी का नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य। ये परियोजनाएं है जो आपके झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करवा रही है। किसमें? झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करवा रही है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, तीन जिलों में ये आपूर्ति करवा रही है। इसके बाद कुंभाराम के बाद जो दूसरी नहर आती है उसका नाम है कवरसेन, कवरसेन जो बीकानेर के इंजीनियर के नाम पे पड़ा। कवरसेन जो है वो गंगानगर और हनुमान, गंगानगर और बीकानेर दो जिलों में ये अपनी जलापूर्ति करती है। तीसरी जो है वो है पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल क्या नाम है इसका, पन्नालाल बारूपाल, ये आपके बीकानेर और बीकानेर के बाद में नागौर में, बीकानेर और नागौर में पन्नालाल बारूपाल कहाँ पे, बीकानेर और नागौर के अंदर क्या करती है, जलापूर्ति करती है। इसके बाद आती है जो अगली, जो जिसका नाम है वीर तेजा जी, वीर तेजा जी, वीर तेजा जी कहाँ पर, आपके केवल बीकानेर में जलापूर्ति करती है, जलापूर्ति में सिंचाई और जलापूर्ति दोनों। फिर आपके आती है वीर तेजा जी के बाद डॉक्टर करणी सिंह, और ये डॉक्टर करणी सिंह जो है वो आपकी बीकानेर और जोधपुर दो जगह, डॉक्टर करणी सिंह है बीकानेर और जोधपुर दो जिलों में पेयजल सिंचाई आपूर्ति करती है। फिर आपकी आती है गुरु जम्बेश्वर, कौन सी, गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर जो है वो बीकानेर और फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर तीन क्षेत्रों में क्या है, जलापूर्ति करती है। और लास्ट जो लिप्त नहर है वो है जय नारायण व्यास, कौन सी है, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ये जय नारायण व्यास है, ये जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर। एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसका पूरा नाम, नाम क्या है, गदेली सावा या नोहर सावा, प्रश्न आ सकता है, आया हुआ भी अपने ट्वेल्थ क्लास में कि गदेली सावा या जो नोहर सावा परियोजना कौन सी परियोजना है, इससे प्रश्न भी आया हुआ है। दूसरी परियोजना है जो कावरसेन है, कावरसेन का पुराना नाम है लूणकरण सर, कावरसेन का पुराना नाम क्या है, लूणकरण सर। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में पुराने नाम लिखवा दूंगा मैं। इसके बाद जो है वो नहर का अंतिम छोर जिसे गडरा रोड, अब गडरा रोड वाले अंतिम छोर को क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट। और जीरो पॉइंट कितना है, ये आपके मोहनगढ़ से 165 किलोमीटर है, 165 और 165 किलोमीटर है ये। इसका नाम रामदेव शाखा, रामदेव उपशाखा, रामदेव उपशाखा, और इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, बरकतुल्ला उपशाखा नाम दिया गया है, बरकतुल्ला उपशाखा नाम इसे दिया गया है, किसको, आपकी रामदेव उपशाखा को, जो जीरो पॉइंट है। जीरो पॉइंट पूछ ले आपको, जीरो पॉइंट कहाँ तक है, तो जीरो पॉइंट है आपका गर्डा रोड। और आप पूछे कि जो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा, तो अंतिम बिंदु तो कौन सा है, मोहनगढ़ है, और नहर में ये
जीरो पॉइंट कौन सा, तो जीरो पॉइंट कौन सा है आपका, गढ़ा रोड बाड़मेर। एक बार लिफ्ट नेर को हम एक बार देख लेते हैं क्रम से, तो क्रम याद रखना, पंडाल का तो बता दिया मैंने और लिफ्ट नेर को याद रखना, चौधरी कुंभाराम आर्य सबसे पहले, उसके बाद में आएगी कंवर सेन, जिसको एक बार नाम तो बोल देता हूँ, जिसका नाम क्या है कंवर सेन का लूणकरण सर, फिर आपके पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल गजनेर, फिर वीर तेजाजी वाड़क सर, और फिर आपके करणी सिंह, फिर करणी सिंह जो है कोलायत, और उसके बाद में आपके आता है जैनानिवास, सॉरी गुरु जम्बेश्वर फलोदी जैनानिवास पोकरण, यानी गुरु जम्बेश्वर का नाम तो क्या है फलोदी, इसका नाम क्या है पोकरण, और करणी सिंह का नाम है कोलायत, वीर त्याजी का नाम है बाड़कसर, बाड़कसर पन्नालाल बारूपाल जो है, इस पन्नालाल बारूपाल का नाम है गजनेर, कंवरसेन, कंवरसेन का नाम है लूणकरण सर, और गदली साहबा का नाम है वो चौधरी कुंभाराम आर्य का है क्या गदली साहबा योजना। तो क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि नहर से क्या लाभ हो रहा है, तो नहर से 9,060 किलोमीटर की क्या है वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं जो लगभग 18.72 लाख हेक्टर क्षेत्र को क्या कर रही है सिंचित कर रही है। इस नहर से आपके जल विद्युत लघु संयंत्र भी लगाए गए हैं, जो कहाँ लगे हैं देखो सूरतगढ़ में लगे हैं, ये इधर वाली जो प्रणाल है इस पर लगे हुए, अनूपगढ़ में लगे हैं, पूंगड़ में लगे हैं, दातोर में लगे हैं और चरणवाला में लगे हैं, तो यहाँ लघु विद्युत संयंत्र भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं नहर से क्या क्या लाभ हुआ, तो नहर के लाभों की बात करें तो नहर जो है उससे लाभों में एक तो क्या है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जलापूर्ति हुई, तो इस कारण से इसको बताया गया था, भी बोला था मैंने कि राजस्थान के मरुगंगा है या पश्चिमी राजस्थान की ये जीवन रेखा भी कहलाती है। इसके अलावा इसके आने के बाद फसलों का इजाफा हुआ है, यानी प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ी है, साथ ही साथ मत्स्य पालन पशुपालन आदि पे जोर दिया गया है, आर्थिक रूपरेखाओं में क्या हुआ है विकास हुआ है, इस क्षेत्र में इन लोगों का जीवन स्तर क्या है सुधरा हुआ है सुधरा है। तो ये सारे लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान को मिलते हैं। छोटी सी बात, कितने जिले लाभान्वित है, तो 9 जिले लाभान्वित है, कितने 9 जिले लाभान्वित है, 9 जिलों के अंदर अभी आपने इसमें 8 सिंचाई और 1 पेयजल, पेयजल में किसका नाम आता है झुंझुनू का, ठीक है, और सिंचाई के अंदर ये सारे जिले आ गए, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, जोधपुर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और जोधपुर। अब इसमें मुख्य नहर कहाँ कहाँ जाती है, मुख्य नहर की बात करें तो गंगानगर से जा रही है, हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो गई, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या है मुख्य नहर जाती है। कितनी प्रणाल बनी हुई है, तो 9 तो प्रणाल है, और कितने आपके लिफ्ट है, तो 7 लिफ्ट है, 1 उपशाखा है जो बरकतुल्ला या कौन सी आपके रामदेव उपशाखा है, नहर की कुल लंबाई कितनी है 649 है, 1 प्रणाल जो आपकी रावतसर है वो इसके लेफ्ट में है, बाकी क्या है राइट में है, समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों हमने राजस्थान की जल सिंचाई और पेयजल की योजनाएं पढ़ी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में जल संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़ी हुई जो इकाइयां है
उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।